हाय गाइज, यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण चिकित्सक के लिए है, बल्कि प्रत्येक चिकित्सक के लिए है। और कोई भी व्यक्ति हमारा आज का वीडियो देखेगा तो उसे भी फायदा करेगा। लेकिन मेरे चैनल से हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हम कुछ ना कुछ सूचना समाचार लेते आते रहते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई भी कठिनाई नहीं हो। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, यदि आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं और शहर में आपको गए बहुत दिन हो गया है, तो जाने से पहले आप सावधान हो जाएं। आपको कभी भी कोई भी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आपको थानेदार कहीं पर भी आपको परेशान कर सकते हैं। यदि आपके पास सब चीज़ ओके है तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि परेशानी होगी, लेकिन गांव देहात में जो भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं और गांव में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें बहुत सारे नियम कानून का जानकारी नहीं रहता है, इसलिए उनको बताना ज़रूरी है। यदि आपके पास में हेलमेट है, यदि आप जा रहे हैं शहर में दवा लेने के लिए या अन्य कोई काम से, तो यदि हेलमेट है तो उसे निकाल कर कभी न रखें, अपने सर पर हमेशा पहन के रखें। आप सोच रहे होंगे कि आपके पास हेलमेट है तो पुलिस आपको चालान नहीं काटेगी। आप इसलिए भी आपको चालान काट सकती है कि आपके पास हेलमेट है पर पहने हुए नहीं है। आप लाख अपना समझाएंगे कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और डॉक्टर हैं, आप उसके साथ वो रिक्वेस्ट आपको स्वीकार करें, मर्सी करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भले हमारे सिपाही जी आपके पास चिकित्सा कराने के लिए जाते हों या अन्य किसी उनके क्लाइंट जो रहते हैं, मारपीट का केस रहता है, आपके पास जाते हों, तो भले आप पुलिस का आदर करते हुए आप बढ़िया से उनका ट्रीटमेंट कर देते हों, पैसा भी छोड़ देते हों या पैसा बहुत कम लेते हों, लेकिन आपके पास अगर पुलिस से यदि पाला पड़ गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिपाही जी आपके साथ ऐसा मर्सी बरतेंगे। ये आज से बहुत साल पहले, कम से कम 4 से 5 पहले, एक बहुत बड़े चिकित्सक के साथ भी एक पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया था। वो तुम ताम करके भी बात कर रहे थे डॉक्टर से, डॉक्टर भी हैरान थे और सारा कागजात उनका ऐसे देख रहे थे मानो कि डॉक्टर साहब कोई अपराधी हो। तो ये आपके लिए खुशखबरी नहीं हो सकती है। आप अगर पुलिस वाले हैं, बकझक करते हैं, तो आपके प्रतिष्ठा के साथ भी वो खिलवाड़ कर सकते हैं। तो कम से कम आपको ज़रूर आपको हेलमेट लगा लेनी चाहिए। एक नंबर आप याद रखें, आप हमारे पॉइंट को नोट करते जाएं। यदि आप शहर में निकलना चाहते हैं और देहात में, तो आपको मास्क जो होता है, आपको मास्क आपको अवश्य पहननी चाहिए। इसके लिए भी आपको पुलिस दंडित कर सकती है। दंडित तो नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि 50 रुपये में आपको एक मास्क दे दे। आप वहां पर भी आप कहेंगे कि हम स्थानीय चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस बोलेगी कि आप डॉक्टर हैं तो आपको तो फाइन और होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ पर आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है, और भी आपको जाननी चाहिए। यदि पहले से आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे स्मार्ट कार्ड बनवा लें। इसका आपको 5,000 रुपये का आपको चालान हो सकता है। यदि आपको पास बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसे कोरोना काल में कुछ छूट मिला हुआ है, तब तक आपको सभी ग्रामीण चिकित्सकों को या अन्य हमारे कोई भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। यदि आपके पास स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जाकर यथाशीघ्र आवेदन दे दें और उसका रसीद ले लें। इससे होगा कि आपको इससे 5,000 के अनावश्यक आपको दंड से बच सकते हैं, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ये स्मार्ट का यदि आपको कोई चालान करता है, यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो उस समय आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी आपको ये चीज़ नहीं हो सकता है। जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको जो ये क्या बोलता है, किताब जैसा रहता है, छोटा सा बुक टाइप का रहता है, तो उस समय में आपको आप वो चीज़ दिखाएंगे तो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि चालान जब भी कटेगा आपको स्मार्ट कार्ड से ही कटेगा। यानी स्मार्ट आपको ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी उस पर चालान कर सकता है। अथवा आप किसी दूसरे किसी संबंधी का, रिलेटिव का, आप पहले से ही अपने मोबाइल में उनका आप ड्राइविंग लाइसेंस, जिनको स्मार्ट है, उनका आप फोटो खींच कर पहले से आप रख लें। आपको स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आपको
आपको DTU ऑफिस में आपको जानी पड़ेगी जिला में, और वहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप किस ब्लड ग्रुप के हैं आपको ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको फोटो, ये आपको लगेगा उसमें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लोग लेता है। आपके पास यदि समय है तो आप अपना धीरे धीरे काम करा सकते हैं, लेकिन 2 के 4 ये हमें देनी पड़ती है दूसरे लोगों को अपने सुविधा के लिए। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो कोई भी एजेंट आपसे को काम कराएगा तो पैसा लेगा ही, आपने उसके पैसे में शहर में रहकर दौड़ते लोग रहते हैं। तो स्मार्ट ड्राइविंग आपके पास नहीं है तो ये सूचना आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इसमें क्या क्या चाहिए, 1 नंबर में ब्लड ग्रुप, आप किस ब्लड ग्रुप के हैं, ए हैं, ए पॉजिटिव हैं, बी हैं, ओ हैं, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, ये आप जांच कराकर रख लें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस में आपको कौन सी चाहिए, तो स्मार्ट चाहिए। स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है आपको, आपको स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे तो आप जो भी आपके पास पेपर हो गाड़ी का वो अपना दुरुस्त कर ले, वो भी संभवतः स्मार्ट कार्ड उसका भी आ रहा है, वो भी आपको यदि आपके नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं है तो आपको ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए। अगर कोई आपके में किसी भी तरह का आपके पास पेपर की कमी है तो इसे फुलफिल करा लेने में ही आपको भलाई है। ये आज का आपको हम जो आज को जानकारी दे रहे हैं ये सभी लोगों पर लागू होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको केवल ग्रामीण चिकित्सक पर लागू होगा, बल्कि सभी लोगों पर लागू होगा। लेकिन खासकर हम ग्रामीण चिकित्सा संबंधी हमेशा समाचार न्यूज़ जानकारी हम दिया करते हैं हम अपने ग्रामीण चिकित्सकों को, तो इसलिए ये जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। और इसमें ट्रैफिक नियम आपको बहुत कड़ा हो गया है, तो इसलिए शहर में विशेषकर जाने से ये नहीं समझे कि हेलमेट तो है ही, हेलमेट आप रखेंगे तो उसको पहननी है, मास्क भी आप रखे हुए हैं लेकिन पहने नहीं हैं तो कोई पुलिस वाला जो समझदार होगा वो तो आपको छोड़ देगा, डॉक्टर कहेंगे कुछ भी कहेंगे। लेकिन जो उसमें भी बहुत कई तरह का आप देखते हैं अजब सा बिहेव होता है, आप अपने क्लिनिक में बुलाकर चाय पिलाकर सिपाही जी का बहुत बढ़िया से आप ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आप कितनों आप परिचय दीजिएगा कि हम डॉक्टर हैं, ये है चिकित्सक हैं, लेकिन सिपाही जी सुनने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर जाति के हैं, हम लोग किसी से बकझक नहीं करेंगे, जो आपको फाइन लगाना है आप लगाइए, उसके बाद भी यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो किसी पुलिस वाले से आपको बकझक करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको बेइज्जत कर सकते हैं। तो आपके पास किसी भी तरह का कागज नहीं है तो आप जो भी फाइन करते हैं माइंड में मेंटेन करके चलिए और अपना पूरा फाइन भर दीजिए, और किसी पुलिस वाले को आप घूस ना दें, उसको अपने जेब में ना दें, जो भी पैसा आप देंगे चालान कटेगा तो वो खाते में जाएगा, वो भारत सरकार के खाते में जाए, बिहार सरकार के खाते में जाए, एक सरकारी धन हो जाएगा जिससे कि आप भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि इन लोगों को पॉकेट में आप दे देते हैं तो अपना रख लेंगे, और इस तरह से आपको चालान कटाने के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। तो इस समय में खासकर जब चुनाव आ गया है तो उस समय सरकार अपना ये चाह रही है कि किसी तरह से हम पैसा वसूलें, क्योंकि चुनाव का खर्च बढ़ जाता है, कर्मचारियों का भी वेतन श्रेणी बढ़ानी रहती है, इसलिए भोले भाले लोगों को ही ये चीज़ चार्ज देनी पड़ती है। जो बड़े लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ उपलब्ध रहता है और कई बहाने बनाकर निकल भी सकते हैं, और उनको 4 चक्का से चलेंगे तो उसमें हेलमेट की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। और आपके पास गाड़ी में यदि आपको पास गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है उसको भी आप दुरुस्त करा लें। और जो प्रदूषण है, धुआं का भी 6 महीने में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप बना लें, नहीं तो आप एक दिन फेरे में पड़ सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं ये पुलिस के तिरछी नज़र से आपको बचनी चाहिए जब तक कि चुनाव न हो जाए, ऐसे आप सब आपके पास पेपर ओके रहता है तो अच्छी बात है। आपको इंश्योरेंस भी करानी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको स्मार्ट होनी चाहिए। आप बुक वाला दिखाएंगे तो हो सकता है कि अमान्य कर दे और उसका 5,000 रुपया तक आपको इसमें आपको फाइन भरनी पड़ सकती है, आपका 5,000 तक चलान हो सकता है।
और हेलमेट नहीं रहने पर आपको पहले 100 रुपया लोग लगता था, अभी समय में 1000 रुपया 1000 सीधे हो गया है। यानी हेलमेट आपको 700-800 में मिलता है, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको 1000 लगेगा। ये सरकारी बाबुओं का फरमान है। इसके पहले आपको कई तरह के ऐसे कानून आया है जिससे आपको जानकारी भी नहीं होगा। ये आपको मोटरसाइकिल में, बाइक में अगर किसी तरह का बहुत कोई कमी पाया जाता है तो इसमें कितना कोई फाइन कर देगा। इसके पहले दरोगा को लोगों ने पीटना शुरू कर दिया था, तब दरोगा जी लोग माने। खासकर बिहार में ये चीज़ चांस दिया गया आपके पेपर को सुधरवाने के लिए, आपको सरकार द्वारा पेपर काफ़ी आपको समय दिया गया है। और कोरोना काल में तो ऐसे भी फाइन किसी को जल्दी नहीं करनी चाहिए, एक तो आमदनी सबकी गिरी हुई है, उसमें भी पुलिस वालों को उसे कोई मतलब नहीं है, चूँकि सरकार को उसे पैसा देनी है, उस पर सरकार का हो सकता है कि दबाव हो। तो इसलिए बहुत पुलिस वाले दुनिया में रहते ही नहीं हैं, और उनको खास तरह का वो पुलिस रहते हैं हमको लगता है सरकार का, जो कि किसी का नहीं सुनते हैं। तो ऐसे पुलिस वालों से आपको हमेशा सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रतिष्ठा ये ले सकते हैं। इसलिए आपको नहीं है कागज़ पे, तब जो भी आपको 2-4 बार रिक्वेस्ट करें, आपका कहने का हक है, आप शांतिपूर्वक किसी से आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पुलिस वाले से उलझे नहीं। ये हमेशा आपको हम चेतावनी देते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए अब विशेषकर इसकर चुनाव के माहौल में सारे पुलिस वालों का ये आँख टेढ़ा हो जाता है, और वोट का समय भी आया है, आपके वोट के पावर को भी इस समय में देखा जाएगा। जहाँ मन करे आसानी से कोई कहे, आप वहाँ वोट ना दे दें, बल्कि संगठित होकर राय करके दें, और जहाँ भी जाएँ अपनी बात अवश्य रखें, एक पेपर ले लें और उस पर आप एक बढ़िया सा आपको एक आपको लेटर दें, एक आवेदन दें किसी भी नेता को। आप सोच रहे हैं कि एक दिन में ग्रामीण चिकित्सक अपने हक की लड़ाई जीत पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही आपको अनट्रेंड रह कर सब काम लेते रहेंगे और सारा लोग आपका बेइज्जत करते रहेंगे और हीन भावना से देखते रहेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छा कदम तो उठाया, लेकिन वो भी थोड़ा सा बस करके रह गए। न बहाली का कोई उनकी कोई घोषणा होती है, न जितने अप्रशिक्षित हैं और कम पैसे में कम दर में उनकी प्रशिक्षण हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। प्राइवेट सेक्टर में तो जो संपन्न हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं वो तो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, और सरकारी संस्था से यदि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमें इतने पॉइंटों पर आपको सावधान रहनी चाहिए, और कोई भी सर्टिफिकेट आपको हो तो ले लेने में आपको भलाई है, कोई ना कोई आपको अवश्य लेनी चाहिए, चाहे सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का हो, चाहे आपको CCH हो, जन स्वास्थ्य का हो, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हो, नेचुरोपैथी का हो, जिसमें आप एक्यूप्रेशर जो भी एक्यूपंचर जो भी किए हैं आपको उसमें एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आपको हर हाल में ले लेनी चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई आप पर उंगली नहीं उठा सके। कब आपके प्रशासन आपको ये पुलिस वाले का आँख टेढ़ा हो जाएगा, कब ये लोग कमाने का मन करेगा, जब भी किसी को पकड़ना शुरू करता है खजाना भरने के लिए तरह तरह का। क्योंकि खासकर जो कमज़ोर प्रदेश है, जहाँ पर कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो उस राज्य का, वहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है, केवल क्राइम रहता है, तो खासकर वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे हम पंजाब गए हैं, वहाँ के पुलिस वाले हेलमेट के लिए और तरह तरह के कागज़ के लिए कोई तंग नहीं करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि 40-45 साल पुरानी गाड़ी भी चलती है, और आपको वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पुराने आपको स्कूटर मिल जाएगा पंजाब में, आप घूम कर आइएगा तो आपको अनुभव मिलेगा। लेकिन वही बिहार या अन्य बहुत सारे गरीब राज्य हैं वहाँ पर, जहाँ पर इस तरह की बात आती है कि पैसा के लिए हमेशा लोग चेक करता रहेगा। हेलमेट है तो आपका निर्णय है, शहर से आएंगे, शहर में आप सोचेंगे कि थोड़ा सा सही रास्ता हो जाए तो वहाँ पर पहन लेंगे लोग, लेकिन उसका कोई नहीं समझेगा, कहेगा हमेशा लगाए रही। अरे भाई, हम भी आदमी हैं, हेलमेट हमेशा कैसे लगाए रहेंगे। शहर में गए हैं, अब मार्केटिंग कुछ किए हैं, हाथ भरा हुआ है, आप सोचे हैं कि थोड़ा दूर जाकर आगे हम पहन लेते हैं, थोड़ा कहीं से आए हैं, माथा को खाली किए हैं सांस लेने के लिए, लेकिन पुलिस वाले समझने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से आप
ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन कागज पत्र और इंश्योरेंस जो भी है सब अच्छा करा लेंगे तो आपके हक में रहेगा। आज की जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। अब बस मैं आपके यूट्यूब चैनल से तत्काल में विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।